गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने देहरादून से, एंड आज एक स्पेशल ब्लॉग बनने जा रहा है। आज हम जा रहे हैं बसंत उत्सव मेला जो कि हो रहा है राजभवन देहरादून में, और आज अपने साथ आएंगे हरिओम। इसकी आंखें देखो भाई, पड़ाकू बच्चा। उठ रहा भाई, यार सो के उठ रहे हो। तो ये और मैं जा रहे हैं आज बसंत उत्सव मेला राजभवन में हो रहा है, और बसंत ऋतु आ गई है तो उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक मेला आयोजित किया है, तो उसका नाम दिया गया है बसंत उत्सव। तो उसमें गाइस क्या है कि पुष्प प्रदर्शनी भी लगी हुई है, और उत्तराखंड के 13 जिलों के डिफरेंट प्रोडक्ट भी आ रखे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। साथ में अपने परोला का भी रेड राइस आ रखा है। तो मैं और हरिओम, हार्टिक्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट नेम इनका हार्टिक्स, हार्टी बोलिए हार्टी। और अपने रूम से गाइस राजभवन की दूरी है 4 किलोमीटर। चल रहे हैं अब बसंत उत्सव मेले के लिए। और ये गवर्नमेंट है तो भाई, अभी भाई पहन रहा है हेलमेट जो कि बहुत जरूरी है। राइट, हाँ है ब्रो हेलमेट। अरे भाई पहुंच चुके हैं बसंत उत्सव मेले में, एंड चेक दिस आउट, इसका बोर्ड, और चलते हैं गाइस अंदर। पहुंच चुके हैं गाइस हम बसंत उत्सव मेले में, एंड चेक करवाते हैं आपको यहाँ पे कौन कौन से स्टॉल लगे हैं। भाई सिक्योरिटी बहुत टाइट है यार। क्या खा रहा तू? मोमोज खा रहा मोमो खा रहा। अबे कोदा मंडवाई की होता है ये भाई, कोदे के मोमो फर्स्ट टाइम खा रहे हैं भाई हम। वो बताना ठीक है, पाव भाजी देगी एक आएगी को देगी भाई। पहाड़ी चीज़ें हैं, मंडवे की चाय, पहाड़ी वेज सूप, मंडवे के वेज मोमो, मंडवे की चाउमीन और मंडवे का शेक। कैसे लग रहे भाई तेरे को? गाइस अपने बीच उपस्थित हैं उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी। हार्टिक्स खा रहा दाल भात। हार्टिक्स भाई ने मंगाई पहाड़ी थाली भाई, और इसमें आई है झंगोरे की खीर, मंडवे की रोटी और घी गुड़ और कद्दू का भात थोड़ी है वो भात, और कुछ पहाड़ी दालें। कैसा लग रहा है हार्टिक्स भाई? मसाला ज़्यादा है। अरे यार बस झंगोरे की खीर भी खाई मैंने तो इतनी टेस्ट नहीं है। तो गाइस लोहा घाट की शान। हेलो, कैसे हो भैया? नमस्ते, ठीक हो आप? बढ़िया चल रहा है। यहाँ पे आए भाई लोहा घाट की शान, मतलब यहाँ पे अंकल ने लोहे की कढ़ाई रखी है, इंडक्शन कढ़ाई, फ्राइंग पैन, तवा कड़छे रखे हुए। लोहा घाट की स्पेशल कढ़ाई है ये, हाथ से पीट के बनती है, इसमें खाना बहुत अच्छा बनता है, बीस मोटा जल्दी लगेगा कढ़ाई में। आप खुद बनाते हो ये? ये हिमालय ऑर्गेनिक यहाँ पे मिलता है परोला का रेड राइस। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता बंदानी है और मैं उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक से आई हूँ। हिमालय ऑर्गेनिक नाम से हमारा स्टॉल लगा है जो कि हमारा ब्रांड नेम है, हमारी सहकारिता बनी है पर्वतीय कृषि उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, और सहकारिता के माध्यम से हम लोगों के साथ किसान जुड़े हैं, और वो किसान लाल चावल, झंगोरा और मंडवार पहाड़ी दालें और पहाड़ के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे ये यहाँ पे नमक है, सिलबट्टे से पिसा हुआ नमक है, ये लाल चावल के बुकड़े हैं, इसको लाल चावल को प्रोसेस किया हुआ है, उसके बाद ये रेडी टू सर्व है, मतलब इसको सीधे खा सकते हैं, और ये लाल चावल है हमारा परोला उत्तरकाशी के जो कि GI प्रोडक्ट है। झंगोरा कौणी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हमारा ये कौणी का रो फॉर्म में है और ये इसका फिनिश प्रोडक्ट है। ये पहाड़ के तोर है, ये हर्षिल के राजमा है, मोमाइल ग्रीन टी तिल भी है हमारा, पहाड़ का तिल, ये जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके शोधार्थी हैं, शोधार्थियों द्वारा ये तैयार की गई है, और ये गाय के गोबर से बनती है, प्योर ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री धूप है। इसके अलावा यहाँ पे युवा हिमालय ब्रांड के आप देख रहे होंगे अचार लगे हुए हैं, जिसमें लिंगड़े का अचार,
लहसुन का अचार, आपका मिक्स अचार, बहुत सारे अचार भी हैं इसमें। ये ग्लूटी के कगार पे है, ये ऐसा मिलेट्स है, फॉक्सटेल मिलेट्स बोलते हैं। पहाड़ में इस टाइम इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, हमें भी बड़े मुश्किल से मिला है कुछ, तो इस पर भी गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। टी ओ पी में हमारा रेड राइस ही है। जो अभी इससे पहले आपने कहीं और भी लगाया आपने स्टॉल? हमने स्टॉल इससे पहले हमने IITM भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो दिल्ली लगाया है उसमें भी हमने स्टॉल लगाया है। इसके अलावा पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी हमारा स्टॉल लगा है। अपने जो पहाड़ के हमारे उत्पाद हैं जिसमें लाल चावल और मिलेट्स सीरियन, उसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को लाल चावल मिलेट्स चाहिए तो हमारे हिमालय ऑर्गेनिक के पेज पे हमें फॉलो करें, और वहाँ पे हमारा नंबर है, उस नंबर पे जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हैं। पुष्प प्रदर्शनी बता कौन कौन से फूल जानता तू इनमें? ये तो इनमें से मैं जानता हूँ सिर्फ ये। अगर सारे फूल दे दे किसी को भी जानते हो, तुझे दे दूंगा मैं एक फूल तुझे दे दूँ एक फूल तेरे को फूल नहीं मैं तेरे को फूल तुझे मैं फूल ओ भाई साहब ये मंडवे का पापड़ भी है यहाँ। पापड़ पापड़ तो भाई मुझे नॉर्मली वाले लगते हैं। बढ़िया आ जा इधर। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुष्प प्रदर्शनी। हमने आपको बताया था कि बसंत उत्सव में पुष्प प्रदर्शनी भी लगी है। तो कैमरामैन प्लीज चेक दिस आउट। वीडियो ये हमारे समझ से बाहर है, इसलिए जो दिख रहा है वही बता रहे हैं आपको। भाई जिसको बहुत शौक आ रहा है फूल का, किसको दे रहा? क्या करना तो इसका एक कांटा तोड़ और किसी से हेलो मिलाना, तब बोलना हाय, तब वो कांटा चुभता है। तू बचपन में बहुत करता था ये चीजें। देखो तुम्हारा नया घर ये बन रहा है, ये हमारे भविष्य का राज्यपाल क्या तबाई का तेरा नाम श्री श्री हरिओम मंदानी उत्तराखंड के राज्यपाल है भाई। अपने राज्यपाल जी का भवन राजभवन भवन मेरा हो भाई मेरा तेरा बेटा तेरे को यहाँ ना गार्ड रखेंगे वो जी है राजभवन, यहाँ पे रहते हैं अपने राज्यपाल जी। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी तेरे अकाउंट पे कोई छापा मारेगा ना इन पे जाना तो सब ठीक है, साइबर क्राइम पे। मैं ब्लैक मनी है गाइस बहुत, इसने इसने ब्लैक मनी होती क्या है? अच्छा हमको सिखा दिया है, सब पता है बेटे तेरे को। ओ तो स्नैपिया है, स्नैपिया VR स्नैपिया ब्रो। अरे भाई हम आर्ट गैलरी में तू भी तो एक लाठी है, लाठी है तू गाइस लाठी है गाइस। अपने योगेश भैया घूम रहे हैं, और जोशी जी से मिले आप जो आर के जिनका जूस है 20 रुपए गिलास Thank you.
फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर पे एंड भाई पूरा भीग गए, इतनी खतरनाक बारिश हुई ना गाइस। तू भीगा हुआ? हां तू क्यों नहीं होगा भीगा हुआ। देखो यार बारिश के बाद जो मौसम बनता है ना एकदम ओपी वाला। अब दरवाजे खोल गाइस, आज की एक्टिविटी में बस इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।